राम राम सा, नमस्कार। मैं राजेंद्र निवाड़ा और आप देख रहे हैं रसोई संसार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सहजन की फली की सब्जी कैसे बनती है। तो सब्जी कैसे बनती है वो तो मेरी वाइफ बताएगी। इस सब्जी के लिए हम ये सहजन की फली यहाँ से तोड़ रहे हैं। ये सहजन की फली का पूरा पेड़ है, ये देखिए। तो आज हम सहजन की फली की सब्जी बनाएंगे। सहजन की फली कच्ची हो या पकी हुई हो, मोटी बीज वाली, दोनों ही फली की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज हम बिल्कुल कच्ची फली की सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, हमें ये सब्जी बनाने के लिए इस तरह की फली लेनी है जो आसानी से टूट जाए। हम सहजन की फली को सेंधने की फली की सब्जी भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से हम सहजन की फलियों को अच्छे से धोकर और कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने कट कर लिया है। सहजन की फली की सब्जी अगर हमें आज नहीं बनानी है, इसे 3 दिन बाद बनानी है, तो हमें इसे छाँच और नमक में भिगोकर रख देना है। इससे सब्जी का कड़वापन निकल जाएगा और बिल्कुल खट्टी सब्जी बनेगी, अचार की तरह। तो ये देखिए, हमने सहजन की फली का अचार भी बनाया था जो बहुत टेस्टी बना है। इसे 3 दिन पहले छाँच और नमक में भिगोकर रख देते हैं, इससे अचार बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन आज हम सहजन की सब्जी ही बनाना बताएंगे। तो ये देखिए, हम सहजन की फली को एक बार फिर अच्छे से धो लेते हैं और इसे कुकर में डाल लेते हैं। यूँ तो सहजन की फली को तेल में अच्छे से फ्राई करके भी बनाया जा सकता है, पर उससे कड़वापन नहीं निकलता। हम इसे एक बार कुकर में डालकर, पानी डालकर और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल लेंगे और इसे एक सीटी आने तक उबाल आने देंगे। इससे सहजन की फली का कड़वापन निकल जाता है। तो देखिए, हमने इसे कुकर में डाल दिया है और इसे गैस पर चढ़ा दिया है। एक सीटी आने देंगे इसमें। तो देखिए, कुकर में सीटी आ गई है और सहजन की फली अच्छे से बॉईल भी हो गई है। इसे एक छलनी में निकाल लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से साफ पानी फिर से डालेंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए, क्योंकि हमने इसमें नमक भी डाला था। तो ये अच्छे से हम इसे धो लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 2 चम्मच तेल की डाल ली है हमने। तेल गर्म होने पर उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और लहसुन और अदरक कूटा हुआ है वो हम इसमें डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हमें हींग डालनी है खुशबू के लिए, और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मसालों को 2 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। अब मसालों को अच्छे से पकने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इन मसालों को हम ढक कर भी पका सकते हैं। हम इसके ऊपर प्लेट कवर कर देंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद चेक करेंगे हम। तो देखिए, इसमें तेल ये जो है ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। और अब इसमें सहजन की फली हम डाल देंगे जो हमने बॉईल करी थी। तो देखिए, हमने सारी सहजन की फली इसमें डाल ली है और इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। हम चाहे तो ऐसे भी पका सकते हैं, थोड़ा ढक कर पका देंगे तो ये जल्दी से पक जाती है। हम इसे प्लेट से कवर कर देंगे, लेकिन इसे चिपकने नहीं देना है। 2 से 3 मिनट बाद इसे हटा देंगे और इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं
जो हमने धोकर अच्छे से कट कर लिया है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई है और इस सहजन की फली में अच्छे से मसाले मिल गए हैं। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सहजन की और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। आप भी इस सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव रसोई संसार पर ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।